प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नार कहावे, एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, दोनों मिली के एक बरण भयो, सरी नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। बहुत बड़ी बात है, सत्संग की गंगा में शामिल हो जाओ। वाल्मीकि जैसे बिगड़े लोग, सूरदास जैसे फिसले लोग भी महान बन जाते हैं। ये सत्संग कोई साधारण चीज नहीं है। गुजरात में कहावत है, पापी पावन थई जाए संतो न संगमा, लोढ़ू कंचन थई जाए संतो न संगमा। पारस के संग में लोहा भी कंचन बन जाता है, ऐसे संतों के संग में पापी भी पावन हो जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। कबीर साहिब कहते हैं, ये जेरा तई अपने दुख ही संभाल। ये बीजक का शब्द है, 84 नंबर रमैनी। हे जीव, तू अपने आप को दुखों में डूबने से संभाल। तेरे अंदर सामर्थ्य है, अपने को दुखों से बचा सकता है। और इस संसार में मनुष्य तो एक है, पर इसके पास में दुख अनेक है। कभी गरीबी का दुख आता है और कभी जिससे तुम बहुत प्रेम रखते हो उसके मर जाने पर उसकी मृत्यु का दुख आता है। और मृत्यु का दुख जो होता है मोह के कारण होता है, और गरीबी का दुख ये भी अज्ञान के कारण होता है। जब गरीबी का दुख सताने लग जाए तो उन भिखारियों को याद करना जिनके पास में रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, तो आपका गरीबी का दुख हल्का हो जाएगा। कभी कभी आपकी पत्नी की मनमानी करने से आपको दुख आता है, लेकिन आपकी पत्नी की मनमानी का दुख आपको सताने लग जाए तो याद रखना, कैकेयी महारानी को याद करना और सोचना कि कम से कम कैकेयी से मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। कैकेयी ने अपने पति राजा दशरथ को परलोक पहुंचा दिया था, मेरी पत्नी ने कम से कम घर में हमें जिंदा तो रखा है, ये कोई कम नहीं है। ऐसा धन्यवाद। और कभी आपको अपने भाई की ओर से दुख होने लग जाए तो रावण को याद करना कि रावण ने अपने भाई विभीषण को बहुत धन्यवाद दिया। रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मारकर भगा दिया था, कम से कम मेरा भाई मुझे लात मारकर नहीं भगाया है, ये कोई कम नहीं है, तो वो दुख हल्का हो जाएगा। और कभी कभी अपने पिताजी से दुख होने लग जाए तो हिरण्यकश्यप को याद करना कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को हाथी के पैर के नीचे दबवाया और आग में जलवाया, मेरा बाप कम से कम मुझे आग में नहीं जलाता है,
थोड़ा दुख देता है, लेकिन हिरणा का सबसे भी अच्छा मेरा बाप है, ऐसा सोचोगे वो दुख हल्का हो जाएगा। कभी आपकी पत्नी मायके चली जाए बिना पूछे बिना बताए, दुखी मत होना, ये सोचना कि महारानी सीता राम को बिना बताए लंका चली गई थी, तो मेरी पत्नी तो मायके ही गई है, एड्रेस तो मालूम है, ले आऊंगा। भगवान की पत्नी जब चली गई सारा दुख हल्का हो जाएगा। और कभी आपके मित्र से आपको दुख होने लग जाए तो मन में विचार करना कि मेरा मित्र मुझे दुख तो दे रहा है, लेकिन मेरा मित्र इतना धोखेबाज नहीं है कि मेरी मृत्यु कर दिया हो उसने, कम से कम जिंदा रहने का अधिकार दिया है, बाकी धोखा देकर धन ले गया है। शत्रु का मारा हुआ पनप सकता है, लेकिन मित्र का मारा हुआ जिंदगी में पनपना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मित्र सोच समझ कर बनाइए, ज्यादा मित्र मत बनाइए। मित्र दो हो, चार हो, एक हो। और कबीर साहब ने तो यह भी कहा है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत बड़ी बात कबीर साहब कहते हैं कि किसी से दोस्ती भी नहीं है और किसी से बैर भी नहीं है। सबसे राम राम है, शांति है, और मित्र हो तो ऐसा हो, मित्र कैसा हो, जैसे दूध और पानी की मित्रता होती है। दूध अपने मित्र पानी को अपने साथ मिला लेता है, और जिस रेट में दूध बिकता है उसी रेट में पानी को भी बेचवाता है कि मेरे मित्र जो कीमत मेरी है वही आपकी भी रहेगी, हम आप एक हो गए हैं, ऐसा मित्र होना चाहिए। और जब हलवाई दूध को कड़ाह में खौलाता है, गर्म करता है, तो दूध का मित्र पानी जब जलने लग जाता है तो दूध को दुख होता है, और दूध उबल करके चूल्हे की आग में गिरता है, आग को बुझा देता है, और अपने मित्र पानी से कहता है, मेरे मित्र तुम्हारे जलने से पहले जलाने वाली आग को बुझाने के लिए मैं आग में गिरूंगा, मैं भले जलकर मर जाऊं उसके बाद तुमको जलता हुआ पाऊंगा, ऐसा मित्र होना चाहिए। कृष्ण और सुदामा जैसी मित्रता हो। सुदामा गरीब है और कृष्ण अमीर है, लेकिन कृष्ण महान है। सुदामा जब कृष्ण के घर आते हैं, द्वारपाल उनको घुसने नहीं देते। द्वारपाल का काम ही होता है द्वारपाल सबको रोकना। अभी मैं नेपाल गया था तो नेपाल में एक भक्त देव नारायण कह रहे थे कि हमारे यहाँ साधु बहुत है, लेकिन आपको मिलने में बहुत टाइट नियम है, द्वारपाल लगा रहता है, अंदर घुसने नहीं देता। मैंने कहा भगवान के गेट पर द्वारपाल रहता ही है, और जबरदस्ती घुसा भी मत करो, द्वारपाल रोके तो मान लिया करो। और द्वारपाल जब सुदामा को रोकते हैं तो सुदामा जबरदस्ती नहीं करते, सुदामा समझदार है। समझदार व्यक्ति द्वारपाल की रोकने से जबरदस्ती नहीं करता है, बल्कि समझदार व्यक्ति रोकने से रुक जाता है और अपना नाम पता अंदर पर्ची में लिखकर भेजता है कि जाओ बता दो कि आए हैं। तो सुदामा क्या कह रहा है, सुदामा की दो लाइनें गाइए आप देखिए। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीबा गया है।
भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के। बाबा जाना मत। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा अपने आप को गरीब स्वीकार कर रहा है और भगवान कृष्ण को कहता है कि आपके महल के करीब आ गया हूं, पर जबरदस्ती अंदर नहीं आऊंगा, आपका आदेश होगा तब आऊंगा। आपका कितना गहरा मित्र हो, कितना जान पहचान वाला व्यक्ति हो, लेकिन बिना इजाजत के उसके अंदर मत घुसना, अन्यथा प्रेम में थोड़ा सा फीकापन आ सकता है। आदेश ले लीजिए। अब द्वारपाल जाकर के सूचना जब कृष्ण को देता है तो क्या कहता है, उसका कहने का ढंग देखिए। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एड्रेस बताना कि सिर पे पगड़ी नहीं है, शरीर पर कुर्ता नहीं है और नाम सुदामा है, ये कह देना। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। वाह वाह, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। कृष्ण की महानता ज्यों ही सुना, मेरा मित्र सुदामा आया है, दौड़ करके आए और गले से लगा लिया कि सुदामा तुम्हारे पास धन नहीं हो सकता है लेकिन प्रेम तो है। मेरे पास में धन है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे प्रेम को भूल जाऊं। जो धन पा करके भी अमीर बनकर भी अपने गरीब मित्रों को भूलता नहीं है वही भगवान बनने का अधिकारी हो जाता है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। उत्तर प्रदेश में दो परिवार सत्संग में आए दर्शन के लिए, दोनों सगी बहनें थे, दोनों सगे साढ़ू भाई। तो एक बहन बोली कि ये मेरी बड़ी बहन है, ये तो रानी है और मैं गरीब हूँ, मुझे बड़ी परेशानी है। एक साढ़ू बोला ये तो मेरा साढ़ू भाई राजा है, मैं तो गरीब हूँ, लेकिन गुरुदेव ये साढ़ू ने मुझे ये कार दिया है। बहन ने कहा ये जो मेरी बहन है मेरे बच्चों को पढ़ाने का सब खर्चा देती है और कहती है हम तुम दोनों बहन साथ साथ बचपन में खेले थे, साथ साथ रहे थे, किस्मत के अंतर के कारण हम अमीर हो गए तुम गरीब हो गए, लेकिन अभी भी हम तुमको सहारा देते रहेंगे। जो अपने बहन गरीब हो जाए फिर भी अमीर बहन उसको सहारा दे वही बहन को देवी का रूप माना जाता है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। हुआ क्या फिर? हुआ रुक्मणी को
बड़ा ही अचंभा। किसी स्त्री का पति जब किसी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है तो उसको अचंभा होता है कि मेरे से भी ज्यादा ये किसी को प्रेम क्यों कर रहा है। लेकिन जो स्त्री समझदार है उसको आश्चर्य नहीं होता है, वो सोचती है मेरा पति प्रेम का सागर है, ये सबसे प्रेम करने वाला है, ये पति कोई साधारण नहीं है, ये पति भगवान का रूप है, इसलिए सबको गले से लगाता है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया सुदामा को गले से है मोहन। वाह। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, अरे द्वार पालो दोहराओ कन्हैया से बोलो तुम ही सुदामा हो, तुम ही कृष्ण हो, गरीबा गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीबा गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीबा गया है, कि द्वारे सुदामा गरीबा गया। तुम्हारा मित्र गरीब हो जाए फिर भी उसको प्रथम नंबर पर न्योता देना, कोई रिश्तेदार तुम्हारा गरीब हो जाए तो उसको भी निमंत्रण प्रेम से भेजना, याद रखना उसके पास धन कम है लेकिन मन कम नहीं। तुम कोई कार्यक्रम करते हो, शादी विवाह करते हो, तुम्हारा गरीब रिश्तेदार न्योता पहुंचने से पहले तुम्हारी चर्चा करता है कि उनके बेटी का विवाह है, न्योता आने वाला है। लेकिन अमीर रिश्तेदार वो तुम्हारी चर्चा नहीं करता है, जब न्योता पहुंचता है तो देखता है और कहता है देख लेंगे, ठीक है चले जाएंगे। इसलिए गरीब रिश्तेदार को भूलना मत, वो आकर के तुम्हारे द्वार पर पूरी ड्यूटी देगा और तुम्हारे द्वार की प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएगा। और प्रेम का रिश्ता गरीबी और अमीरी से नहीं होता है, प्रेम का रिश्ता तो केवल प्रेम से ही होता है। प्रेमवा मां भूले भगवान हो शिवरी के घर मां, भक्ति मां भूले भगवान शिवरी के घर मां। आज ये प्रेम का ही प्रभाव है जो इतने लोग यहां इकट्ठे हुए हैं, इनको कोई रस्सी जंजीर से बांध कर खींच कर नहीं लाया है, ये प्रेम से अपने आप खींच करके आए हैं। और मैं भी अगर 1400 किलोमीटर से आकर यहाँ बैठा हूँ तो आपके प्रेम की डोरी से ही खींच कर आया हूँ, मुझे कोई बांध कर नहीं लाया। रस्सी और जंजीर का बंधन कमजोर बंधन होता है लेकिन प्रेम का बंधन बहुत मजबूत बंधन होता है। इसलिए याद रखना ये प्रेम का बंधन बाहर से तो दिखता नहीं है लेकिन भीतर से आदमी इसमें बंध जाता है। अगर प्रेम के बंधन में बंधे ना होते ये गांव बहुत करोड़पति गांव नहीं है, लेकिन ये गांव
कि लोग सोचने लगे जहां हम चार रोटी रोज खाते हैं ये कम खा लेंगे, लेकिन इस रोटी की बचत से गुरुदेव को बुलाकर सत्संग कराएंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके इतने बड़े समागम का आयोजन किया। ये साधारण नहीं है, ये टाटा बिड़ला भी ऐसा प्रोग्राम करने में आगे नहीं आ सकते, जबकि वो चाहे तो पूरे हिंदुस्तान का प्रोग्राम अकेले ही सबका पैसा दे सकते हैं, लेकिन उनके पास इस फील्ड में पैसा खर्च करने का दिल नहीं है। और आपके पास में इतना बड़ा दिल है कि एक घोग समझे से गांव में, आज मेरे पास में बहुत से लोग आए बताने लगे कि मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसे गांव में आप आकर बैठेंगे। मैंने कहा मैं क्या हूं, जब सिवरी की कुटिया में राम बैठ सकते हैं तो घोग सम वालों की कुटिया में हम जैसा संत भी बैठ सकता है। ये जीरा तय अपने दुखें संभाल, जेह दुख व्यापी रहा संसार। बंधुओं और देवियों, यदि जीवन में दुख आता है शांत मन से एकांत कमरे में बैठकर हाथ मुंह धोकर एक गिलास ठंडा पानी पीकर अंतर्मुख होकर आत्मावलोकन करना, अपने आप को देखना कि ये दुख क्यों आया है, और यदि निष्पक्ष होकर के आप उस दुख की गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा इस दुख के पीछे कहीं ना कहीं आपसे ही कोई गलती हुई है जिसके कारण ये दुख आया है। ये दुख ऐसे नहीं आता है, बचपन की गलती के कारण जवानी में दुख भोगना पड़ता है, और कभी आपसे बोलने में गलती हो गई उसका दुख भी आपको 10 साल के बाद भोगना पड़ जाता है, और कभी आपसे चरित्र में गलती हो गई उसका दुख भी आपको भोगना पड़ता है। जब राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा था, कई लोगों का नाम चल रहा था, एक मेरे भक्त का भी नाम चल रहा था कि ये भी राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी खुश थे, मेरे से बात भी किया, और अचानक उनका नाम कटा, राष्ट्रपति से नाम हटा, तब उनको थोड़ा दुख हुआ। तो मैंने दूसरों से पूछा किस कारण से इनका नाम कटा, बोले जब ये 20 साल पहले मंत्री थे तब इन्होंने रिश्वत कहीं लिया था, वो फाइल निकल कर आ गई इसलिए राष्ट्रपति से नाम कट गया। 20 साल पुरानी गलती 20 साल के बाद उनको दुख ला कर देती है कि आपने ये गलती की था इसलिए आज ये दुख आया है। इसलिए आप जब खेत में मक्का बोते हो तो 3-4 महीने बाद वो फसल पककर आ जाती है, लेकिन जब गन्ना लगाते हो एक साल के बाद वो पककर आता है। तो ऐसे कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल जल्दी आ जाता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल 10 साल 20 साल 40 साल के बाद आता है, और कुछ कर्मों का फल तो 2-4 जन्म के बाद आता है। इसलिए याद रखना, अगर सुख पाना है तो कर्म अच्छे कीजिए तो आपको जन्म जन्म तक सुख ही मिलेगा। एक छोटी सी कहानी आपको मैं सुनाऊंगा, उससे शिक्षा लेना। अकबर बादशाह सवेरे सवेरे नदी के किनारे घूमने जा रहे थे, और अकबर बादशाह के साथ में बीरबल उनके मुख्यमंत्री भी अक्सर जाया करते थे, और बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। मुख्यमंत्री अर्थात जिसका सलाहकार बुद्धिमान है वो राजा को खतरा कम होता है। तुम्हारे जीवन में सलाह तुम किससे ले रहे हो? अगर किसी नालायक व्यक्ति से सलाह लेकर के जिंदगी के डिसीजन तुम ले रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब होने की संभावना है।
अच्छे और महान और बुद्धिमान व्यक्ति से सलाह लीजिए जो आपको सही एडवाइस कर सके। तो बीरबल से अकबर बादशाह ने कहा तुम मेरे साथ चलो। अकबर ने कहा कि मेरी छोटी बेगम जोधाबाई भी साथ में चलेगी। जोधाबाई से अकबर बादशाह ने कहा तुम सबसे आगे चलो और बीच में बीरबल तुम चलो और सबसे पीछे मैं चलूंगा। चुटकी काट लिया और चुटकी काटा तो बीरबल ने मुड़ करके पीछे देखा और कहा बादशाह आप इतने बड़े पद पर हैं, बादशाह हैं, क्या आपको शोभा देता है मेरी पीठ में चुटकी काटना, मैं बूढ़ा आदमी हूं। अकबर बादशाह ने कहा बीरबल बात मत करो आगे बढ़ो। तो बीरबल ने मन ही मन में सोचा कि मैं भी आगे बढ़ रहा हूं और आपने जो मुझे चुटकी काटा है उसको भी आगे बढ़ा देता हूं। जो बीरबल के आगे बादशाह की छोटी बेगम जोधाबाई चल रही थी, बीरबल ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी काट लिया। जोधाबाई का चेहरा तमतमा गया क्योंकि राजा की जो रानी होती है उसके मन में ज्यादा नशा रहता है रानी होने का। कलेक्टर के ऊपर कलेक्टर होने का उतना नशा नहीं रहता है जितना कलेक्टर की पत्नी के मन में नशा रहता कि मैं कलेक्टर की पत्नी हूं। इसलिए याद रखना, गलती हो जाएगी कलेक्टर माफ कर देगा लेकिन कलेक्टर की पत्नी जो कलेक्टरिन है ना वो तुमको पूरा साफ कर देगी, उससे सावधान रहना। तो जोधाबाई को गुस्सा आ गई और उसने कहा तुम मजाक करते हो मेरी पीठ में चिकोटी काटते हो। तो पीछे मुड़ करके उसने जोर से एक तमाचा गाल पर बीरबल के मारा। तो बीरबल मन ही मन सोच रहा है जो कबीर साहब ने कहा है कि दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पीछे राजा है आगे रानी है, दोनों पाटों के बीच में मैं फंसा हूं, पीछे से चुटकी काटी जा रही आगे से तमाचा लग रहा है, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न को। लेकिन बीरबल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा मजेदार व्यक्ति था। बीरबल ने कहा कि कोई बात नहीं रानी, आपने तमाचा मारा है, हालांकि मेरी कोई गलती नहीं है, पीछे जो राजा साहब हैं इन्होंने हमको चुटकी काटा तो मैंने वो चुटकी आप तक पहुंचा दी है, और रानी साहब आपने चुटकी का उत्तर तमाचा में दिया है तो तमाचा में बादशाह अकबर तक पहुंचा देता हूं। बीरबल पीछे मुड़ा और दांत पीस कर जोर से खींच कर तमाचा बादशाह अकबर के गाल पर जड़ दिया। बादशाह अकबर बहुत क्रोधित हुआ कि नौकरी से निकाल दूंगा, आजन्म कारावास दे दूंगा। तो बीरबल ने कहा जो देना हो दे देना लेकिन मेरी गलती नहीं है, जो तुमने हमें लेटर भेजा था चुटकी काटकर वो आगे वाले को दिया रानी को, और रानी ने उसका उत्तर तमाचा देकर भेजा, वो उत्तर आपको मैंने दे दिया है, गलती मेरी नहीं राजा रानी समझ लो आप। चुटकी काटने जैसा यदि कर्म करोगे तो उसका तमाचा जैसा फल आने वाला है, इसलिए याद रखना अपने कर्म को बदल दीजिए तो आपका भाग्य जरूर बदल जाएगा, भाग्य जरूर बदल जाएगा। धन्यवाद। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है।
कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, सो बात सही है। संतों ने जो कह दिया सो बात सही है, सो बात सही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है, पापों की बेल फूलती और फलती नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है।